श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री एम्स गोरखपुर के सभी, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स, बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। वास्तव में ब्लड बैंक किसी भी मेडिकल संस्थान की एक आत्मा कही जा सकती है और आज के संदर्भ में इसके बगैर वहां की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस गोरखपुर में यह सुविधा अब प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि एक एक करके उन सभी सुविधाओं में यहां वृद्धि हो रही है जो वर्षों से लोगों की एक भावनाएं थी। मुझे बताया गया कि एफएसएस की सुविधा से युक्त तो यहां पे ब्लड बैंक पहले चरण में ही प्रारंभ हो रहा है। कितना कठिन था, मुझे याद है आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले गोरखपुर में 2-3 ब्लड बैंक थे और उस समय भी केवल होल ब्लड ही निकलता था। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे एक लंबे समय तक नजदीक से कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खासतौर पर जब इंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए मरीजों के उपचार और उस व्यवस्था को नजदीक से देखने का मुझे एक अलग अनुभव वहां देखने को मिला था। बाद में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक छोटे से हॉस्पिटल का संचालन प्रारंभ हुआ, एक चैरिटी हॉस्पिटल। वहां की कार्यपद्धति को भी बहुत नजदीक से देखता था और मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय गोरखपुर में आईसीयू नहीं थे, ब्लड बैंक थे लेकिन ब्लड बैंक में उस क्वालिटी नहीं दे पाते थे। 2007 में पहला ब्लड सैपरिंग यूनिट मैंने ट्रस्ट की तरफ से, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित करवाया। उस समय जब हम लोग भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से इसके बारे में बात करते थे तो चौंकते थे कि क्या अच्छा ये सुविधा वहां पे दे रहे हैं। और 2014 में एफएसएस की पहली यूनिट उन्होंने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लगाई। आप देखें हम तकनीकी दृष्टि से कितने हम लोग पीछे हैं। 10 वर्ष पहले जो सुविधा हम लोग पहले दे चुके हैं आज हम लोग उसको आज स्थापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट ब्लड में 4 लोग लाभान्वित हो सकते हैं और अब तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो बाकी होल ब्लड की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमने तकनीक का उपयोग बेहतर किया है और आज के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान को हम बचा सकते हैं और तब किसी रविकिशन के साथ जबरन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को वॉलेंट्री इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए भी हमें तैयार करना और दूसरा डायलिसिस की सुविधा। गोरखपुर में डायलिसिस नहीं होती थी, डेंगू बहुत था, यानी इंसेफ्लाइटिस के बाद इंसेफ्लाइटिस यहां पे 77-78 में पहली बार देखने को मिला था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हमारे चिकित्सकों ने बहुत मेहनत भी की, अकेला संस्थान था।
संसाधनों के अभाव में भी उन लोगों ने मेहनत करके अपने स्तर पर प्रयास किया। लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है, इस पे रिसर्च पेपर नहीं लिखे गए। स्टडी जिस स्तर पर होनी चाहिए थी स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाई। लेकिन जो वहां आता था उस पर समय पे आ गया तो रिलीफ लेकर के जाता था। आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, आपको वहां एक अत्याधुनिक केंद्र देखने को मिलेगा। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसे काम होना है, कैसे बच्चों की बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, पेशेंट केयर कैसे होना है, ये सुविधाएं आज वहां देखने को मिलेंगी। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक कैसे फंक्शन होना चाहिए, यह भी वहां देखने को आपको मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है एम्स गोरखपुर में और बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्वालिटी को लेकर के होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बेहतर करके दिखाता है, कौन अपने आप को साबित करता है। प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा, आपके साथ नाम है, उनके पास काम है, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा वो अपने वजूद को बहुत लंबे समय तक और लंबी दूरी तक आगे बढ़ाने में सफल होगा। अरे सारा दारोमदार आप सब पे निर्भर करेगा, यहाँ के फैकल्टीज पे, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स पे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब पे निर्भर करेगा कि वे किस रूप में कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, नकारात्मकता किसी को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। आपने जीवन में सफल उस व्यक्ति को होते हुए नहीं देखा होगा जिसने हमेशा दूसरों का पैर खींचा होगा। अगर दूसरों का पैर खींचने का आदि होगा तो एक दिन उसका पैर भी कोई खींच करके बाहर फेंक देगा। नकारात्मकता व्यक्ति को पीछे धकेलती है और सकारात्मकता व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वो न केवल आगे बढ़ता है बल्कि ढेर सारे लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकता है। एक डॉक्टर को भी इसी रूप में अपने आप को स्थापित करना। अगर डॉक्टर नकारात्मक थिंकिंग का होगा, नेगेटिव विचारों का होगा, वह पेशेंट को कभी क्योर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपके पास तो तब आ रहा है पेशेंट जब वह हर जगह से थक हार करता। आपके पास ऐसा नहीं कि सीधे घर से उठ के चला रहा है, आपके पास आने के पहले वो कुछ लोगों को दिखा चुका होता है, लोगों के जवाब को सुन चुका होता है। जब उसको कोई व्यक्ति गांव में या उसके जनपद में कहता तुम्हारी बीमारी गंभीर है, तुम बीमार हो, तुम्हारा ठीक होना कठिन है, और तब वो आपके पास आता है। अगर आप उसको प्यार से कह दें भाई देखो तुम्हारी बीमारी नहीं है कुछ, तुमसे एकदम ठीक हो सकते हो, आधी बीमारी उसको वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और फिर आपने उपचार प्रारंभ किया तो आधी उससे कुल 25% बीमारी बच जाएगी। आप उपचार शुरू करिए, 25% बीमारी भी दूर हो जाएगी। मैंने हमेशा इस बात को देखा है। कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना महामारी आई, और कोरोना महामारी के आने पर जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने, देखिए यही महीना है आज से 4 वर्ष पहले, उन्होंने आह्वान किया था देश के अंदर थाली बजाने का। पूरे देश के लोग शाम को अपने घरों के ऊपर इस अभियान के साथ जुड़े थे। लोगों की मानसिकता को, नेशन के मूड को जानने का एक अवसर था। जैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ मेरे पास तत्कालीन राष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने कहा योगी जी हम लोग यूपी से चिंतित हैं, यूपी का क्या होगा। मैं संजोग से गोरखपुर में था, मैंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे देश अपनी लड़ाई लड़ेगा वैसे उत्तर प्रदेश भी अपनी लड़ाई को लड़ लेगा। लेकिन बीमारी बीमारी कोई चीज नहीं होती है, उसको लड़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति लीडरशिप पे निर्भर करती है।
हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप है, हम लोग इस पे विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग चिंतित हैं, कैसे 22 से 24 करोड़ की आबादी को कैसे संभालेंगे आप। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैं सोच ही रहा था तब तक फिर उपराष्ट्रपति जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा योगी जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं लखनऊ से बाहर हूं। कहा कि आपको इस COVID-19 के बारे में जानकारी है? मैंने कहा जानकारी नहीं है लेकिन मैंने सुना है। कहा हम लोग चिंतित हैं यूपी से, यूपी के बारे में क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी का क्या होगा, कैसे संभलेगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश संभल लेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप, एक टीम वर्क, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च को लॉकडाउन देश के अंदर लागू हुआ, मैंने 25 की मॉर्निंग में ही 11 बजे अपनी बैठक प्रारंभ की और टीम 11 का गठन किया। टीम 11 का मतलब अंतर विभागीय समन्वय शासन की एक टीम जो इस पे कार्य करेगी, मुझे रिपोर्टिंग करेगी और राज्य में इस कार्यक्रम को उसी टीम 11 के अंतर्गत काम करना है। ए बी सी अलग अलग कैटेगरी उसकी तय कर दी गई। एक टीम में अगर कोई व्यक्ति कहीं इस बीमारी की चपेट में आया तो वह टीम का कार्य बाधक नहीं होना चाहिए। और अलग अलग क्रम में हमने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। पीएम साहब ने जब मुझसे पूछा कि आप लोगों की प्लानिंग क्या है, मैंने कहा हमारी प्लानिंग है हम लोग किस ढंग से इसको लागू कर चुके हैं। उन्होंने फिर मॉडल मांगा, मैंने उनको बताया कि हमने ऐसे ऐसे किया। फिर उन्होंने देश में उसको सर्कुलेट कराया कि भाई यूपी अगर टीम 11 गठित कर सकता तो आप लोग क्यों नहीं गठित कर सकते। अंतर विभागीय समन्वय में बहुत मायने था और ये अंतर विभागीय समन्वय का कार्य हम लोगों ने कहां से प्रारंभ किया था? इसमें हेल्थ भी था, एजुकेशन भी था, सैनिटाइजेशन के लिए हमारी अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट भी था, पंचायती राज भी था, फूड एंड सिविल सप्लाईज को भी हमने इसके साथ जोड़ा था जिससे कोई व्यक्ति भूखों ना मरे, ट्रांसपोर्ट को भी इसके साथ जोड़ा था, लॉ ऑर्डर की स्थिति को भी मेंटेन बनाए रखना था तो उसमें पुलिस को भी, गृह विभाग को भी इसके साथ जोड़ा गया था। ऐसे 12 विभागों को एक बना करके हमने काम किया। तो मुझे पूछा गया कि भी आपने कैसे बनाया। मैंने कहा देखो मुझे जब इंसेफ्लाइटिस पे नियंत्रण करना था तब तक मेरी लड़ाई लगभग 20 साल की पूरी हो चुकी थी। 1997-98 में हमने लड़ाई प्रारंभ की थी और संजोग ऐसा कि 17 में मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर मैं जानता था कि बचाव ही इस महामारी का सबसे बड़ा उपाय है और इसके लिए मैंने उस समय भी अंतर विभाग, स्वास्थ्य विभाग के नोडल विभाग करके एक अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई थी, कहीं स्वच्छता को लेकर, कहीं शुद्ध पेयजल को लेकर, स्वास्थ्य विभाग इन सब की मॉनिटरिंग और व्यापक स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रदेश भर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी किए गए, अवेयरनेस के कार्यक्रम किए गए। परिणाम क्या था? 2020 आते आते हम लोग इंसेफ्लाइटिस को लगभग नियंत्रित कर चुके थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे इस बारे में बताया, कहा कि इंसेफ्लाइटिस तो आपका नियंत्रित हो चुका है, मैंने कहा हाँ काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा मॉडल है। तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहले दिन से इस बात के थे, इंसेफ्लाइटिस अगर नियंत्रित हो सकती है तो कोरोना अवश्य नियंत्रित होगी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम नियंत्रित करेंगे। और आपने देखा होगा भारत का मॉडल दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने है, जितना भारत ने फ्री में उपचार कराया दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया, जितना वैक्सीनेशन भारत ने कराया दुनिया नहीं करा पाई, भारत के बने हुए वैक्सीन जितने प्रभावी हैं दुनिया का कोई वैक्सीन उतना प्रभावी नहीं, भारत के अंदर
जितने रूप में लोगों को, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, पिछले 4 वर्ष से मिल रहा, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त होना है, कहीं दुनिया के अंदर नहीं प्राप्त हो पाया। और भारत मजबूती से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपनी रेस को बनाया हुआ है। ये दुनिया के अंदर एक मॉडल है कि हमने अपनी गति को भी थमने नहीं दी है, लेकिन अपने लोगों को बचाया है। और यह तब संभव हो पाया है जब यशस्वी नेतृत्व था और टीम वर्क देश के पास था। ऐसी टीम वर्क संस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। संस्थान के पास अगर टीम वर्क है तो परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, लेकिन उस टीम वर्क के साथ हमारी पॉजिटिविटी उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही मायने रखती है। हम लोगों को उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उस अभियान को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, उस बेहतर परिणाम आएंगे। एम्स यह अपने आप में भारत के ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं जिसके नाम से बीमारी दूर भागती, और हमें इसको साबित करना है, हमें इसको साबित करना है। कितनी डिमांड है एम्स की देश के अंदर, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला एम्स जब स्थापित हुआ था, पहले एम्स के स्थापित होने के बाद कई दशक तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ। दिल्ली एम्स की भीड़ को हम देखते थे, सदैव अटल जी ने 6 नए एम्स स्थापित किए थे, और 6 नए एम्स स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में अब बढ़कर इनकी संख्या 22 हो चुकी है। देश के अंदर 22 एम्स आज के दिन पर कार्य कर चुके हैं। अभी मुझे पिछले सप्ताह ही एम्स रायबरेली के उद्घाटन में जाना पड़ा था। रायबरेली का एम्स विधिवत उद्घाटन गत वर्ष उसका हुआ है, अब इसी वर्ष हुआ है, अभी एक सप्ताह पहले हुआ है। गत वर्ष वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और आज हम लोग एम्स गोरखपुर में पिछले 3 वर्ष से यहां पे अपने पाठ्यक्रम को भी संचालित कर चुके हैं। बहुत संभावनाएं है आपके पास कार्य करने की, और आज के अवसर पर मुझे लगता है कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए उतना ही पॉजिटिव जो मैंने आपको बताया, पेशेंट आया, अगर आपने उसको पहले ही झड़क दिया तो यह अमानवीय तो है ही, लेकिन साथ साथ आप अपने साथ भी धोखा दे रहे हैं, जिससे आपको एक कुछ जानने का एक अवसर मिलना है। याद रखना, आपके पास कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि साहब मैं इसको पुस्तक में देख लूंगा, वो शिक्षा हो सकती है, आपको लंबे समय तक, लंबी दूरी तक आपका साथ नहीं देगी, आपकी परीक्षा तक सीमित होगी, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, पेशेंट का उपचार करते समय या पेशेंट के साथ हमें क्या हमारी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए ट्रीटमेंट की, वह आपका वास्तविक नॉलेज होगा, और यही एक लंबे समय तक, एक लंबी दूरी तक आपको सफलतम चिकित्सक के रूप में स्थापित करके देश और दुनिया में आपको स्थापित करने में योगदान देगा। दूसरा, इस बात को ध्यान रखना, एक एक चीज को नोट करने की आदत रखना। हम यूपी में क्यों सफल हुए कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में? यूपी से बहुत सारे राज्य समृद्ध हैं, आबादी में छोटे, देश के अंदर कोई भी राज्य होगा आबादी, लेकिन लेट था, वह देश के अंदर सबसे अच्छी